नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। शहर में बेखौफ बदमाशों द्वारा गाड़ियों के शीशे तोड़ने का सिलसिला अभी थमा नहीं था कि कार चोरी का मामला सामने आ गया। फतेहाबाद में चोरों का कमाल देखने को मिला है, जहां चोर कुछ ही सेकंड में गाड़ी को लेकर रफू चक्कर हो गए। घटना फतेहाबाद की प्रोफेसर कॉलोनी की है, जहां बेखौफ बदमाश देर रात करीब 1 बजे गली में आते हैं और गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। एक बार आप भी ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक बदमाश ने गाड़ी का स्टेयरिंग संभाला है और दूसरा बदमाश गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी जैसे ही स्टार्ट हो गई, दोनों बदमाशों ने पहले आसपास देखा और मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गए। गाड़ी के मालिक ने बताया कि वो रोजाना गाड़ी अपने घर के बाहर ही खड़ी करते थे, लेकिन सुबह उठकर देखा तो गाड़ी वहाँ नहीं थी। मैं जागरण में गया हुआ था और सुबह 5:30 जब आया तो देखा मैंने घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी रहती थी, और जैसे मैं 5:30 पहुंचा तो गाड़ी मेरे को मिली नहीं। मैंने जांच पड़ताल शुरू करी, इधर उधर देखा, नहीं बनी बात। फिर मैं अपने यहाँ गया, चौकी में मैंने एप्लीकेशन दर्ज करवाई। कौन सी गाड़ी थी जी, और कैसे, क्या सीसीटीवी पे भी कितने के बंदे आए हुए? क्या गाड़ी तो हुंडई की थी, असेंट थी, और सीसीटीवी हमारे पड़ोसियों के कैमरा था, उसमें थोड़ी सी वीडियो आई। हाँ जी, शिकायत दे दी। क्या कहा जी? बस जो भी एप्लीकेशन में लिख के दे रही है, ऐसा मेरी गाड़ी चोरी। किस प्रकार से गाड़ी लेके गई जैसे सीसीटीवी में दिखाया जा रहा है, धक्के मार के ले जा रहे हैं गाड़ी को। पहले उन्होंने हमारी जो गेट के पास थी गाड़ी, उसको थोड़ा दूर किया, गेट से दूर करके धक्का मार के फिर उसको स्टार्ट किया। फिलहाल गाड़ी के मालिक ने कार चोरी होने की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि प्रशासन सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन करता कुछ नहीं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।